बेगमगंज से हमारे शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे जिले को लॉकडाउन किया गया है, वहीं बेगमगंज में भी इसका असर दिखा है। क्या है लॉकडाउन? लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो वह बाहर जा सकता है, या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। किसी तरह के खतरे से इंसान को इलाके से बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, जैसे कोरोना में संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण एक दूसरे इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इस दौरान पेयजल, सीवेज सेवा, बिजली सेवा, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, टेलीफोन करना आदि इसी में सम्मिलित है। और सर्विसेज, मेडिकल स्टोर, बिजली, पेट्रोल पंप, तेल, ऊर्जा, मीडिया जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आज बेगमगंज में भी इसका असर दिखा। आज सुबह 7 से 12 बजे तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकें। 12 बजे के बाद पूरे नगर में लॉकडाउन कर दिया, जिसमें प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कुछ जगह पर अनावश्यक लोग घूमते देखे गए तो SDM, SGOP एवं TI ने लोगों को समझाइश दी कि आप यहां से सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं, आप लोगों से सहयोग चाहते हैं, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। कहीं पुलिस बल का प्रयोग करते हुए लोगों को देखा भी गया है और उनकी मोटरसाइकिल की हवा भी निकालकर उन्हें जाने दिया गया है। और समझा अनुरोध है कि जो लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं, कृपया अपने अपने घर पे चले जाइएगा। आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं, कृपया अपने अपने घर चले जाइए, सहयोग कीजिएगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, आप सबकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, कृपया इसमें सहयोग प्रदान करें। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। सोचिए कि हमारे जो पड़ोस के नजदीकी जिले हैं, एक तो भोपाल है, दूसरा जबलपुर है। आप भी जानते हैं कि प्रतिदिन भोपाल से मैक्सिमम लोग यहाँ पर आते हैं और जो उदयपुरा बरेली वाले एरिया वहाँ से लोग जबलपुर जाते हैं। उन दोनों जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं। वो इन्फेक्शन हमारे ज़िले में या अन्य जगह नहीं फैले, उसके बचाव के लिए ये आवश्यक है कि हम लोगों को भीड़ से बचा सकें और लॉकडाउन कर सकें। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है। हमारे विदिशा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर और शहर के प्रवेश के मार्गों पर चल रही है चेकिंग। अनावश्यक घूम रहे लोगों को भेजा घर वापस। शहर में प्रवेश करने वाले तमाम सीमावर्ती इलाके और मार्गों को शहर के भीतर भी अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने चेक पॉइंट बनाए, जहां सतत रूप से वाहन चालकों की जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के अनुसार उन्हें यह निर्देश मिले हैं कि शहर के अंदर अन्य जिले से कोई भी व्यक्ति न आने पाए और शहर और जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिना किसी खास वजह से, बिना किसी अधिकार पत्र के किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें घर भेजने के लिए कहा गया है। विदिशा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट।